निर्धारित समय से पहले पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को जाना और मरीजों से उनकी कुशलक्षेमी पूछी। डिप्टी सीएम ने मरीजों से अस्पताल के रखरखाव, व्यवस्थाओं, दवाइयों और चिकित्सा संबंधी बातों को लेकर पूछताछ की। उन्होंने आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। सोमवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक निर्धारित समय से पूर्व ही निरीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंच गए। उनके साथ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने सर्वप्रथम इमरजेंसी वार्ड पहुंचकर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और निर्देशित किया कि किसी भी मरीज के उपचार में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनरल वार्ड तथा आइसोलेशन वार्ड का भी जायजा लिया। वहाँ भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली, साथ ही पूछा कि दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार सूबे के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी मरीज के उपचार में देरी ना हो। प्रदेश सरकार प्रत्येक मरीज के उपचार के लिए कृत संकल्पित है। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित कर दिया है। पिछले दिनों झोला छाप तथा फर्जी नर्सिंग होम के विरुद्ध चलाए गए अभियान के प्रति उन्होंने खुशी जाहिर की। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की अपेक्षा की कि इस तरह के अभियान भविष्य में चलाए जाते रहेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से पत्रकारों ने सवाल किया कि हिंदू महासभा का प्रतिनिधि मंडल महिला अस्पताल में मरीजों की मौत को लेकर आपसे मिला था, क्या कार्रवाई हुई? सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा, उसी को लेकर आज मुजफ्फरनगर महिला अस्पताल के दौरे पर आया हूँ। पूरी जाँच पड़ताल की है, मरीज से बात की गई है, तीमारदारों से बातचीत की गई है। व्यवस्थाओं को लेकर पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद डीएम और सीएमओ को कमेटी बनाकर जांच करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर बिंदुवार समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों से आख्या मांगी गई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आनंदपुरी स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला के आवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला के आवास पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। डिप्टी सीएम के आगमन के मद्देनजर पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। सोमवार को डीएम चंद्रभूषण सिंह तथा एसएसपी विनीत जायसवाल भी अस्पताल में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के निरीक्षण के दौरान दोनों आला अधिकारियों ने व्यवस्था पर करीब की दृष्टि गड़ाई रखी। आज मुजफ्फरनगर जनपद में कई कार्यक्रम हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से मैं मिला हूं, उनके परिजनों से भी मिला है, चिकित्सकों के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है और यह तय किया है कि मुजफ्फरनगर जनपद में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सभी मरीजों को मिले, किसी भी स्थिति में मरीजों के साथ कोई दिक्कत न हो, उनको निःशुल्क दवाइयाँ मिले, निःशुल्क ऑपरेशन हो और रिफर विशेष परिस्थितियों में की जाए। यदि रिफर किया जाता है तो उसका कारण रजिस्टर में उल्लेख किया जाए और मरीजों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। आपसे एक सवाल हमारा है, लगातार पिछले महीने महिला स्थल चर्चाओं में रहा है काफी मौतों को लेकर, आपसे हिंदू महासभा का प्रति इसी वजह से महिला की मौत क्या कार्रवाई हो रही है, वजह से हम यहां आए हैं और बिंदुवार समीक्षा करके जिलाधिकारी महोदय को, सीएमओ को हमने निर्देश दिए हैं और शीघ्र आप चिंता मत करिए कि हर स्थिति पर सरकार की पूरी नजर है। सर, अखिलेश यादव पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं 2024 चुनाव में? देखिए, कितना फर्क पड़ेगा, राहुल गांधी डिरेल्ड हो चुके हैं, जनता में न जनाधार है, न नीति, न एजेंडा है, जनता उन्हें पूरी तरह कई बार नकार चुकी, कोई मतलब नहीं। सर, अखिलेश यादव, मुजफ्फरनगर जनपद में सभी नागरिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हमारी सरकार के संकल्प है। हमने अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों से भी बात की है और मरीजों से भी मुलाकात की है, अच्छी व्यवस्था चल रही है, चिकित्सकों के साथ बैठक करके यहाँ पर जो और भी दुरुस्त करने की स्थान है उनको हम ठीक करने के लिए कहे हैं, सबको निःशुल्क दवाइयाँ तत्काल मिलें ऐसे भी निर्देश दिए हैं। हर स्थिति में हमारी सरकार मरीजों के साथ खड़ी है, उनको किसी भी तरह की पीड़ा हम नहीं होने देंगे। सर, मुजफ्फरनगर फर्जी अस्पतालों का गढ़ बन चुका था, अभी पिछले दो दिन पहले एक चेकिंग अभियान चलाया था, 50 से ज्यादा अस्पताल सील हुए। अच्छी, आप तो अच्छा बात बता रहे हैं, अभी किसी को भी हम गलत काम कर रहे हैं, जारी रहेगा। आप खुद ही बता रहे हो क्या? वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।